मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज मेरी पहली पिक्चर जवानी यहाँ पर शूटिंग हुई और 1984 में शूटिंग की और तो कश्मीर मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है एंड मेरे काफ़ी हिट गानों यहाँ पर शूटिंग हुई जैसे खुद कर्ज के, गोविंदा के साथ और बहुत सारे। और इतने सालों के बाद मैं वापस आ रही हूँ और मैं वही जोश देख रही हूँ, वही सॉर्ट ऑफ जो पहले के पॉजिटिविटी वापस आ रही है और जो यूथ है और यहाँ पर जो विंटर फेस्टिवल है, जो मैंने टैलेंट देखी, यू नो द यूथ, दे आर सिंगिंग सो ब्यूटिफुली, दे आर डांसिंग सो वेल, तो आई जस्ट फील कि बहुत खुशी हो रही है कि आई फील दैट मोर एंड मोर यूथ हैव टू कम आउट देयर एंड फॉलो देयर ड्रीम्स एंड देयर पैशन। मैं आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिला, सिपाही सोल्जर्स के साथ, और मेरा सर गर्व से ऊंचा है क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन में जो लोग एक मुद्दा बना रहे थे या कश्मीर और बाकी देश में कुछ अनबन बना रहे थे, वो आस्ते आस्ते दूर हो रही है और फोकस वापस कल्चर, प्यार मोहब्बत और जो कश्मीर की जो क्या कहते हैं मेहमान नवाजी है, उनकी जो कल्चर है, जो अपनापन है, वो देख के मुझे बहुत 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 खुशी हुई। कल भी काफ़ी रश था यहाँ पे, आज भी अच्छी खासी रश है। ये इसके बावजूद है कि एक टूरिस्ट जब यहाँ पे आता है तो उसका एक रूटीन फिक्स होता है, उसके बावजूद यहाँ पे नफरी इसको देखने की आई है। और ये जो एक इस तरह के जब इवेंट होते हैं 2-3 दिन के अंदर, तो लोगों को बाहर एक मैसेज जाता है कि अगर सब लोग यहाँ पे आके गाना गा रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहा है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो उनको ये मालूम चलता है कि यहाँ पर हालात अच्छे हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट हों और सक्सेस जब ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद में और लोग यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। जाहिर है उसे हमारे कश्मीर की इकॉनमी पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा।